जैसे कि गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों के दिन जलन सुमन की समस्या हो सकती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? कई व्यक्तियों को गर्मियों में आँखों में जलन चुभन लाली की समस्या होती है, खासतौर से छोटे बच्चों को। इसका मुख्य कारण एलर्जी होता है। कुछ लोगों को एलर्जी होती है तेज धूप में जाने पे या धूल गर्दा में जाने पे, तो उनको इस तरह की समस्याएं होती हैं। इसको हम लोग एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। सर, इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके बचाव के लिए जब भी हम लोग घर से बाहर निकलें, हमें अपने नंबर का चश्मा या कोई सन ग्लास इसको जरूर पहनना चाहिए, ताकि धूल गर्दा हमारी आँखों पर ना जाए। और जब भी हम लोग बाहर से घर पर आते हैं, अपने काम की जगह जाते हैं, तो आँखों को साफ ठंडे पानी से धो लेना चाहिए, ताकि जो भी धूल गर्दा आँखों में गई है वो धुल जाए। सर, जिन बच्चों में एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है, तो क्या वो कभी ख़त्म नहीं होगी? कई बच्चों को एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हर साल होती है, खासतौर से गर्मियों में, आपने सही कहा। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती रहती है, ये समस्या कम हो जाती है, इसकी तीव्रता कम हो जाती है, और ये एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होना कम हो जाता है। सर, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है क्या? जी नहीं, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। अगर एक ही वातावरण में दो व्यक्ति हैं, अगर किसी एक व्यक्ति को एलर्जी है किसी धूल कण से या पराकण से, तो उसी को ये समस्या होगी, दूसरे व्यक्ति को ये समस्या नहीं होगी। जबकि इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस जो कि बैक्टीरिया या वायरस से होता है, वो कंजंक्टिवाइटिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। सर, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होने से आँखों में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? अगर किसी को एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है, तो उसकी आँखों में लाली रहेगी, सूजन रहेगी, और इसका समय से या ठीक इलाज नहीं होता है, और ये सूजन बहुत दिनों तक बनी रहती है, तो आँखों में ग्रंथियाँ होती हैं जिन्हें गोब्लेट सेल्स होते हैं, जो कि म्यूकस बनाती हैं, उनको नुकसान पहुँचता है। ऐसा होने पे आँखों में आगे चल के ड्राइनेस की समस्या रह सकती है। कभी कभी आँखों को रगड़ने से या एलर्जिक एंटीबायोटिक्स में कॉर्निया में छोटे छोटे जख्म हो सकते हैं, कॉर्निया अल्सर हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आँखों की रोशनी हमेशा के लिए कम भी हो सकती है। सर, इसका इलाज किस प्रकार से होता है? इसके इलाज में सबसे पहले बात, सबसे ज़रूरी चीज़ तो बचाव है, जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि हमें प्रोटेक्शन के लिए सनग्लास करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसका इलाज किसी योग चिकित्सक को दिखाकर ही करना चाहिए। इसका इलाज मुख्यतः आई ड्रॉप द्वारा होता है, इसका इलाज खुद अपने आप नहीं करना चाहिए। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो सूजन लाली को कम कर देती हैं, जिनमें स्टेरॉइड मिला होता है। ऐसी दवाइयों को लॉन्ग टर्म डालने से आँखों में मोतियाबिंद या काला मोतिया हो सकता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी योग चिकित्सक की सलाह से, उनके देखरेख में ही इसका इलाज करना चाहिए।